चर्चा खूब मचा है नैरियां वाले पीर का, जग में चर्चा खूब मचा है नैरियां वाले पीर का, जग में चर्चा खूब मचा है नैरियां वाले पीर का, वलियों में क्या नाम जचा है नैरियां वाले पीर का, वलियों में क्या नाम जचा है नैरियां वाले पीर का, जग में चर्चा खूब मचा है नैरियां वाले पीर का, नूरी मुखड़ा नूर कहाला सारा सरापा ही बरकत वाला, नूरी मुखड़ा नूर कहाला सारा सरापा ही बरकत वाला, जुल्फे मुबारक अख मस्तानी जुबा दस्तार दुशाला, सजादा नशी देखो दूल्हा बना है, सजादा नशी देखो दूल्हा बना है नैरियां वाले पीर का, जग में चर्चा खूब मचा है नैरियां वाले पीर का, जग में चर्चा खूब मचा है नैरियां वाले पीर का, दरी चश्ती सोवर दियाए नक्शबंदी है रंग जमाए, कादरी चश्ती सोवर दियाए नक्शबंदी है रंग जमाए, शाह जी लानी पीर सानी बाबा कासिम करम कमाए, मदीने से सौगाते लेकर इब्ला आलम खुद आए, किस शान से देखो उर्स बपा है, किस शान से देखो उर्स बपा है नैरियां वाले पीर का, जग में चर्चा खूब मचा है नैरियां वाले पीर का, जग में चर्चा खूब मचा है नैरियां वाले पीर का, जहालत है ये वबाए जिनका इलाज है दर्स गाए, बदकीदगी जहालत है ये वबाए जिनका इलाज है दर्स गाए, आओ मिलकर सब बनाए और अपनी औलादें खूब पढ़ाए, सबको ये पैगाम मिला है, सबको ये पैगाम मिला है नैरियां वाले पीर का, जग में चर्चा खूब मचा है नैरियां वाले पीर का, जग में चर्चा खूब मचा है नैरियां वाले पीर का, रे मुसीबत मारे अपने पास बैठाते ये हैं, दुखियारे मुसीबत मारे
अपने पास बैठाते ये हैं। इल्म के मोती इश्क के हीरे सुबह शाम लुटाते ये हैं। बन के पाक वसीला सालिक रब रसूल मिलाते ये हैं। तू भी बन जा सच्चा मंगता, तू भी बन जा सच्चा मंगता, नहरिया वाले पीर का जग में चर्चा खूब मचा है। नहरिया वाले पीर का बलियों में क्या नाम जचा है। नहरिया वाले पीर का जग में चर्चा खूब मचा है। नहरिया वाले पीर का क्या कहें। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक अल्लाहु सल्लि अला सय्यिदना वाजिबुल कद्र। दोस्तों, ये पूरी जमात ये जो आप मेरे सामने तशरीफ़ फरमा हैं, आपके अलावा वो लोग जो इस वक्त हमें नज़र नहीं आते मगर अपने अपने घरों में वो टीवी की स्क्रीन के सामने जब बैठते हैं तो उस वक़्त वो सारे लोग इस हम कलामी के नशे से महसूस होते हैं। ये सारी एक जमात है। कोई पाकिस्तान में है, कोई यूरोप में, कोई मगरब में, कोई मशरक में, कोई एशिया में, कोई अफ्रीका में, दुनिया भर में जहाँ जहाँ आशिकों का एक ग्रोह मौजूद है, ये सारी एक जमात है। मैं आपको एक मिसाल देकर मज़ीद आपके यकीन में उजाला और तेज़ करूं। कई किस्म के गुलाब हैं, गुलाब के फूल मुख्तलिफ रंगों में, दो चार छः नहीं हैं, बहुत रंग हैं इसमें। हर रंग में गुलाब मौजूद है, रंग बदलता रहा है लेकिन नाम नहीं बदला। रंग बदलते रहे, अब भी मौजूद हैं ऐसे पौधे गुलाब के कि जब शगुफे फूटते हैं और फूल बनते हैं, कलियां खिलती हैं, तो वो गुलाब का फूल चमक के, निखर के, बिखर के सामने आ जाता है। तो देखने और पहचानने वाले उसे गुलाब का फूल ही कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हदर हकीकत रंग में तगयुर है लेकिन है ये गुलाब का फूल। रंग अपना अपना होगा मगर खुशबू गुलाब की होगी, रंग अपना अपना होगा मगर नाम गुलाब का होगा, नाम अपना अपना होगा मगर उसकी अजमत, उसकी खुशबू, उससे मोहब्बत, उसकी अजमत वो गुलाब ही की होगी। ये फूल
अफ्रीका में नज़र आए तो वहाँ भी कह जाए कि ये गुलाब का फूल है, पाकिस्तान में हो तो ये भी कहेंगे गुलाब का फूल है, ये अफ़गानिस्तान में होगा तो कहेंगे गुलाब का फूल है, ये बंगाल चिटागांग रंगून में होगा तो कहेंगे ये गुलाब का फूल है, ये कनाडा डेनमार्क इंग्लैंड और अमेरिका में होगा तो कहेंगे ये गुलाब का फूल है। तो गोया इसकी बुनियाद, रंग बदल गए लेकिन बुनियाद नहीं बदली, रंग बदले ज़रूर हैं इनकी हकीकत नहीं बदली। तो मदीना मुनव्वरा से जिसको फूल गुलाब का बनाकर फेंका गया और तकसीम किया गया को कहीं को कहीं, वो हकीकत जानने वाले जब उसको देखते हैं पता कर लेते हैं कि ये गुलाब का फूल है, यानी ये आशिक रसूल है। तो गोया इश्क रसूल की एक मोर है, एक रंग है, एक नज़ाकत है, एक लताफत है, एक कैफियत है, एक ज़ाब्ता है, एक माहियत है और एक रंगत है। वो जिस पे चढ़ जाए जिस मुल्क में हो वो अपना है और गुलाब का फूल है। तो हम जो यहाँ बैठे हुए हैं सिर्फ हम ही तो नहीं इस कैफियत के, इस वक्त अरबों लोग, करोड़ों लोग नबी पाक की बारगाह से अकीदत रखने वाले दिलों की कलियों को गुलाब का फूल बनाकर बैठे हुए हैं और वहीं से बहार चलती है जो फूलों को निखार के चली जाती है। वो शबनम वसल की, वो शबनम करम की जब मदीना तैयबा से रात के पिछले पैर चलती है तो फूलों की पत्तियों को नई नई आबोताब और तपश और ज़िंदगी दे के गुजर जाती है। तो अगरचे इस वक्त कुछ लोग हमारे सामने नहीं हैं मगर ये सारा जहान एक क्यारी है, एक छोटा सा खेत है और उसमें आशिकीन रसूल के जो पौधे लगे हुए हैं ये सभी एक हैं, इनकी ग़िज़ा भी एक है और इनकी खुशबू भी एक है। रंग जुदा हैं तो होते रहें, कदो कामत में छोटे बड़े दरख्त हैं तो पौधे हैं तो होते रहें, मगर खुशबू में कमी नहीं, निस्बत में कमी नहीं, ताल्लुक में कमी नहीं, फैज़ लेने में कमी नहीं। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला इस यकसानियत को कायम रखे और इंसानियत की आबरू इसी निस्बत में है। जो कट गया दरे मुस्तफ़ा से वो इंसान ही कब है, जो कट गया दरे नबी से वो साहिब अक्ल ही कहाँ है। अब देखिए कुरान पाक में आता है कि ये जो कटे हुए हैं नबी के दर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी आंखें तो हैं मगर देखते ही नहीं। कुरान पाक की ये तमाम बशारतें मौजूद हैं, नसीहतें मौजूद हैं, अहकाम मौजूद हैं। अब कुरान कहता है इनके कान भी हैं सुनते ही नहीं। तुम क्या कहते हो कि इनकी ज़बानें नहीं हैं, हैं मगर बोलते ही नहीं। इनके आप क्या समझते हैं ये लंगड़े शल लूले लोग हैं, इनके कदम हैं मगर चलते ही नहीं। इनके दिमाग क्या समझते हो, ये खोपड़ी खाली है अंदर सब कुछ मगर उनमें कुव्वत इदराक ही नहीं है। वो दिल के अंदर एक आंख होती है जिसमें कुव्वत इम्तियाज होती है, तुम क्या समझते हो नहीं है, है अंदर मगर है ही अंधी है। ला तामल लबसार वलाकिन तामल कुलूबुल्लती फिस सुदूर, फरमाया जो आंख मेरे नबी को नहीं पहचानती वो आंख ही कब है, और जो जबान मेरे नबी का जिक्र नहीं करती तुम उसको भी जबान कहते हो, पत्थर नहीं पड़ गए तेरी सोच पर, और जो कान मेरा कुरान ना सुने, वो कुरान जो मेरा कुरान ना सुने और वो जबान जो मेरा कुरान ना पढ़े और मेरे नबी का गीत ना गाए, वो है तो है मानते तुम भी हो है लेकिन मैं कहता हूँ नहीं है। हम उसी को ज़बान कहते हैं जो कुरान पढ़े, रहमान का जिक्र करे, मेरे महबूब का नाम लेती चली जाए, वही ज़बान है और वही अक्ल है, वही दिल है, वही दिमाग है
जो सुए महबूब मुतवज्जे है। हज़रत ये निस्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस बंदे को अता फरमाई है उसके दिल में सब्र भी आता है, जिक्र भी और शुक्र भी, जिक्र भी, सब्र भी, शुक्र भी। उसके पास दुनिया नहीं है, मुतमईन है, जमा हो गई तो बगावत नहीं, नहीं तो हिर्स और लालच नहीं, आई और वो वापस खुदा की तरफ जाने लगी परवाह ही नहीं। ला तामिया, ला जामिया, ला मानिया, आई दुनिया जमा करने का शौक ही नहीं, नहीं आई तो तमा है ही नहीं, और जिसने भेजी वो वापस लेने लगा फिक्र ही नहीं। ये तो मेरी कब थी, तेरी है, जब मैं ही तेरा हूं, जब मैं ही तेरा हूं, मेरा अपना कुछ नहीं, तो जो चीज तूने दे के वापस ली उस पर मुझे क्या खफकी है, तू भी अपने कुर्बे मुझे ले जाए, उठा ले जाए, मुझे मौत के हवाले कर दे, मुझे कोई फिक्र नहीं, तू जिस तरह रखे, ये मालिक की मर्जी होती है। अब ये मेरे जेब में कलम है, ये कलम है मेरा, ये मेरी मर्जी है, मैं इसे सीधा रखूं, मैं इसे टेढ़ा रखूं, मैं इसे खड़ा रखूं, मैं इसे जेब में रखूं, मैं इसे कलमदान में रखूं, मैं इसे जुजदान में रखूं, मैं इसे अलमारी में रखूं, इसे बक्स, जहां मेरी मर्जी वहीं रखूं। कलम ने कभी कहना है ऐसा नहीं रखो, जो कलम बिक गया, झुक गया, मिट गया, हो गया किसी का, और साहिब कलम के उंगलियों के दरमियान आ गया, वो जैसे चाहे करे। अरे बंदे, जब तू बंदा बन के मालिक के कब्जा कुदरत में चला जाएगा तू बोलेगा कैसे, वो जो चाहेगा वही होगा, वो जो चाहेगा वही होगा। यही है मोमिन कामिल की जिंदगी का वो जमील और जलील और अजीम उनवान, जिस पर मालिक ममलूक की पहचान का इन्हिसार है। मैं यहाँ ये बुनियाद रख के अब मैं आपको और आगे ले जाना चाहता हूँ कि अब देखिए तमाशा कि इंसान के अंदर, इंसान दुनियादार अक्लमंद आदमी जिसका दिल बाखुदा है मगर दामन दुनिया से आबाद है, जो ना गाफिल है बल्कि मालिक की याद में शागिल है, जो बेफिक्र भी नहीं और बगैर जिक्र के भी नहीं। अब जनाब रूमी फरमाते हैं कि इसको पड़ी हुई दौलत मिल जाए तो क्या ये छोड़ देगा? मसलन बुत परस्तों ने सोने चांदी का, सोने का एक बुत बनाया और मुकम्मल बुत बना हुआ है, उसको लोग पूछते, काफला गुजरा तेजी से बुत परस्तों का तो एक अच्छा खासा एक बुत सोने का बना हुआ गिर गया। पीछे से एक आशिक जार मोमिन आया, उसको जो नजर आया बुत, तो है तो ये नापाक, ये नजस, ये मबगूज, ये नापाक, ये काबिले नफरत कि बंदा देखे तो हजीमत इख्तियार करे, भागे उसे और नफरत से उसे देखना पसंद ना करे। लेकिन एक दानश्वर मोमिन मुवाहिद को, जाकिर को और खुदा के बंदे को वो रास्ते में पड़ा हुआ बुत नजर आया और बुत सोने का है तो वो फौरन पकड़ेगा, पकड़ के उठा के देखेगा सोने का है, लपेट के घर ले जाएगा। अब सारे उसे लड़ पड़े, तुम बुत लायो, शर्म नहीं आई? अरे नादानो, पहले तो मुझे तारीफ करते थे कि तुम बड़े दानश्वर हो और अब मुझे नादान कहते कि मैं एक बुत उठा लाया हूं। सब्र तो करो कि मैं इसके साथ करता क्या हूं। तो उसने इस तरह किया कि वो आलात जमा किए जिससे तांबा, पीतल, चांदी, सोना उसमें डाल के आग दी जाए तो वो पिघलते हैं
उसने सामान जमा करके तो टुकड़े टुकड़े करके उसने उसमें रख के पिघलाना शुरू कर दिया। अब नाक उड़ गया, आँखें गई, दांत गए, मूछें गई, दाढ़ी गई, कान गए, सर गया, टांगें गई, पेट गया, पसली गई, हड्डी गई, टखने गए, पाँव गए, उंगलियां गई, हाथ गया, सब कुछ गया, खाली रह गया। खाली ले के सबको बुलाया, कहाँ है वो बुत? ये देखो ये वही बुत है, बताओ वो बुत कहाँ है? तो सबने देखा कि बुत तो है नहीं। फरमाया कि इस हकीकत पर जो बातिल नक्श लगे हुए थे, हमने आग में बातिल नक्श जला के हकीकत को अपने हाथ में ले लिया है। अब मुझे बताओ कि ये बुत है या सोना है? तो सबने कहा नहीं, ये बुत तो नहीं है, ये तो सोना है। अगर ये सोना है तो इल्ज़ाम मुझ पे देते थे। मालूम हुआ कि किसी तदबीर और तरीके से, किसी जामे हिकमत अमली से जितनी चीज़ें आपको बुत नज़र आएं, यानी हकीकत पर पर्दा नज़र आएं, उनसे भागो नहीं, उनको जलाओ, मिटाओ, उठाओ, भाग उन्हें दूर करके हकीकत को बेनकाब करो, हकीकत को बेनकाब करो। यहाँ जनाब रूमी फरमाते, गर्बुते जर्री बयाबद मोमिने गर्बुते जर्री बयाबद मोमिने कहिलद उरा पे सजदा कुने कहिलद उरा पे सजदा कुने कामिल मोमिन को बुत मिल जाए सोने का बना हुआ, कह हिला दूरा पै सजदा कुने, तो वो किसी सजदा गुजार बुत पस्त के लिए उसको छोड़ता कब है? उठा लेगा उसको तो फिर करेगा क्या? अल्लाह बनी क्यों बया बद मोमिने जर्री वसन कहलद आरा बराए हर्षमन दोनों शेर अल्फाज मुख्तलिफ है, मफहूम एक है, अल्फाज जुदा जुदा है, माना एक है, लेकिन मैं इससे गुजर के आगे जा रहा हूं। बल्कि गीरत अंदर आतश अफगनद सूरते सूरते आरी आतशरा बरकुनद सूरते आरी आतशरा बरकुनद जब उसको बुत मिला था तो मैं पूछता हूं कि जब ये सोना बुत बना तो बुत बनने से पहले ही ये बुत था या बनाया गया है? तो जब ये बनाया गया तो बताओ ये सूरत हकीकी है या आरजी है? तो आरजी सूरत से डरते क्यों? जब हकीकत सूरत तुम्हारे सामने है, पकड़ो इसको, इसको अपनी हकीकत की तरफ ले जाओ। अरे तू सोना, तेरी हकीकत क्या थी? गैरों के आचर गया ना, तो तू बन क्या गया? अब मैं तुम्हें अपने सीने से लगा के तुम्हें अपनी हकीकत पर ले जा रहा हूं। लेकिन उसने पॉलिश नहीं किया, उसने कपड़े नहीं मले, उसने पॉलिश नहीं किया, उसने कपड़े नहीं मले, उसने बुरशे साफ नहीं किया, उसने एक अलाव जल ताजा करके उस आग के अंदर झोंक दिया, उसने आग के अंदर झोंक दिया। तुम थोड़ी देर भी आरजी सूरत, वो भी बुत की, वो भी सजदा गुजारों के लिए, तो खुदा की शक्ल में आया, मैं तुम्हें अब सजा दूंगा। है तो तू असली है, लेकिन तुम्हें सजा दे के अपनी वापस जगह ले जाऊंगा मैं तुम्हें, अब मैं तुम्हें आग में से गुजारूंगा। आपको पता है ना, हदीसे पाक में आता है कि जब कयामत होगी, चांद सूरज
सब लोगों के फैसले हो जाएंगे, तो उस वक्त खुदा जब सब फैसले हो जाएंगे दोजख़ी दोजख में जन्नती जन्नत में, तो खुदा फरमाएगा सूरज जरा तू भी जरा, तो तुझे भी को पूछने वाले तो थे ही ना, इधर आओ, तुझे भी लोगों ने खुदा कहा है, खालिक कहा है, सजदा किया तेरे आगे, तू जरा आस्ते से जहन्नम में चले जाओ, उतरो जहन्नम में। अल्लाह करीम कसूर क्या है? मैंने कहा था उनको ये बात नहीं, जिन्होंने सजदे किए वो उधर ही हैं, तू जाओ उनको दिखा के आओ कि जालिमों तुमने मुझे भी खुदा समझा था, तेरा और मेरा हशर एक हो गया, लेकिन जाते हुए वापस गुजर गया, ना तेरी रंगत खराब होगी ना तेरी शान में कमी होगी, उनको जाके बता के आओ। तो यूं सूरज को भी गोता दे के बाहर निकालेंगे ताकि सारे देखेंगे जिसको हम पूछते थे वो साला वो भी इधर आ गया। देखो ये कराची की जबान है, कोई ऐसी बेवकूफी है, कराची की जबान है। मैं सोच समझ के मैंने कहा, चूंकि कराची में खतीब बड़े बड़े भी ऐसा कह देते हैं, कोई बात नहीं है, एक गवाह भी मौजूद है हमारे पास, बार खुदा जाने क्या कहा था मैंने, लेकिन वो गया ओके आया, गया निकल आया, जाओ जन्नत, लेकिन वहां से होके आओ। तो ये मोमिन कामिल जब बुत को देखता है ना, अरे ये सोना खालिस सोना बुत की शक्ल में, आओ तेरा बंदोबस्त करता हूं। जब उसको गोता दिया ना, नक्श खत्म हो गए, खालिस रह गए। खालिस जब रह गया तो अब वो जिधर गया उसकी कीमत बनती गई। पहले नफरत थी अब मोहब्बत है, पहले दूरी थी अब कुर्बत है, पहले बेगानगी थी अब दीवानगी है, पहले अदावत थी अब दोस्ती है, पहले नफरत थी अब तो इश्को उल्फत की एक कैफियत हो गई है। सोने से हर एक मोहब्बत करता है, हर एक मोहब्बत करता है, लेकिन जलना इसके नसीब में आ गया कि जब तक जलेगा नहीं रंग बनेगा नहीं। अच्छा हजरात यहां एक बात और भी है, वो ये कि जो चीज अपनी कैफियत ना बदले, अपनी हकीकत ना बदले, चाहे मुख्तलिफ रंग में वो देखी जाए लेकिन हकीकत ना बदले, वही असल शय है और उसको जवाल नहीं, उसको जवाल नहीं। और जिसको जवाल नहीं, जिसके लिए फना नहीं, देखो ये पानी में गया तो सोना, ये मिट्टी के ढेर में गया तो सोना, ये गलाजत में गया तो सोना, ये बुत कदे में गया तो सोना, ये सनम कदे में मस्जिद हुआ तो सोना, ये मुख्तलिफ जेवर की शक्लें इख्तियार करके गया तो सोना, नया हो तो सोना, पुराना हो तो सोना, खरीदो तो सोना, बेचो तो सोना, रखो तो सोना, पहनो तो सोना, कोई ले जाए तो सोना, गुम जाए तो सोना, मिल जाए तो सोना, न जंग लगे न रंग मिटे, न जंग लगे न रंग मिटे, मालूम हुआ कि ये लाजवाल है, मालूम हुआ कि ये लाजवाल है। तो जिसको जवाल न मिले और लाजवाल हो जाए, वो हर हाल में अपनी हैसियत कायम रखता है और उसकी वहदत में कोई शक नहीं, उसकी वहदत में कोई फर्क नहीं। ये रब्बुल आलमीन है कि वो बंदों में जलवे बिखेरे तो खुदा है, वो हैवानों को पैदा करके उनमें कुदरतें रखे तो खुदा है, वो फर्श जमीन बिछा के उसमें अपनी लताफतें तकसीम कर दे तो खुदा है, वो आसमानों से आगे नजर आए तो खुदा है, वो चांदो सूरज में अपने जलवे दिखाए तो खुदा है, और वो दस्ते नबी से जाहिर होकर वमा रमैत इज रमैत वलाकिन अल्लाह रमा, यहां कुदरत दिखाए तो खुदा है। वो नहीं बदलता, वो जिस हाल में जाए,
جس حال میں کوئی انسان جائے قدرتیں پھرتی چلی جاتی ہیں، ذات خدا کو زوال نہیں ہے، مخلوق بدلتی چلی جاتی ہے، خالق نہیں بدلتا، مخلوق تغیر پذیر ہے، مخلوق تغیر پذیر ہے، خالق تغیر پذیر نہیں، وہ تغیر کا خالق ہے۔ اس لیے رب العالمین جس حال میں بھی کوئی انسان نظر آئے، حقیقت حقیقت ہی ہوتی ہے، وہ بدل سکتی نہیں۔ تو جناب رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے پیارے لوگوں، غور تو کرو کہ کس طرح اس عقل مند نے اس سونے پر جو بت کے نقشے بنے ہوئے تھے کس طرح جلا کے نقش دور کیے اور حقیقت سامنے نظر آئی۔ کیا تم پر کتنے نقش لگے ہوئے ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہیں؟ تم بھی تو ایک بت ہو نا، اے چلتے پھرتے انسانوں، اے بولتے کھاتے سوتے سلاتے، اے سنتے سناتے انسانوں، تم بھی تو ایک بھوت ہی ہو نا، تم پر کتنے رنگ چڑھ گئے ہیں، تم پر کتنے رنگ آ گئے ہیں، تم نے کتنی صورتیں بدلی ہیں، تمہاری نظافتیں لطافتیں حقیقتیں کیفیتیں بہجتیں، یہ بساتوں نشاتوں، یہ ارتباط کی یہ مرحلے، یہ ساری چیزیں تم پر آئیں۔ کبھی کچھ پہلے چھوٹے سے تھے، پھر بڑے ہوئے بدل گئے، پھر اسے اور بڑے ہوئے بدل گئے، پھر اسے اور بڑے ہوئے بدل گئے، پہلے بال نہیں تھے اب بال آئے، پہلے کالے تھے پھر سفید ہوئے، پھر وہ بھی گئے، پھر ایک دن ہوا کہ تم نشے میں تھے، پھر کبھی شاہی تخت پر بیٹھے، کبھی گدا تھے، کبھی شاہ تھے، کبھی جنگل میں تھے، کبھی منگل میں، کبھی دنگل میں، کبھی حیرت میں، کبھی محبت میں، اور کبھی ہوش میں، کبھی بے ہوشی میں، کبھی سکر میں، کبھی صاحب میں، کبھی علم میں، کبھی مسجد میں، کبھی مندر میں، کہاں کہاں تم پھرتے رہے ہو، لیکن تم بھی تو بدلتے رہے ہو نا، تم پر بھی تو بہت سی موہریں لگی ہوئی ہیں، اور تم بھی بدلو، تمہارے لیے بھی میں نے ایک آگ رکھی ہوئی ہے، جب تک اس میں سے نہ گزرو تمہاری حقیقت بھی کھل کے سامنے نہیں آئے گی۔ تمہارے لیے بھی ایک آگ رکھی ہم نے، اور جلانے والا تمہیں جلائے گا، میرا کوئی واقف آئے گا تمہیں پکڑ کے میرے رسول کے عشق کی آگ میں جلائے گا، وہ سارے نقش مٹا کے توحید کا نقش جمائے گا، اور جب توحید کا نقش جمائے گا تو آواز آ جائے گی عرش کی بلندیوں سے، الانسان سری و انا سرہ، یہ جو اب بدل کے چمک کے، یہ جو اب بدل کے چمک کے، یہ اجالوں میں دھل کے، یہ نور کی کرنوں کا ہار پہن کے جو سامنے آیا ہے، یہ میری توحید کا راز ہے، میں اس کا راز ہوں۔ الانسان سری وانا سرہ، یہ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے اور میں اس کا راز ہوں، میں اس کا پردہ ہوں، یہ میرا پردہ ہے، میں اس کی حقیقت ہوں، میں اس کی زندگی ہوں، میں اس کی زندگی ہوں، یہ ہے میرا نشان، میں اس کی جان ہوں، یہ میرا نشان ہے۔ لیکن یہ مقام کس نے دیا؟ عشق نبی نے دیا۔ کس نے دیا؟ عشق نبی نے دیا ہے۔ اگر دنیا کی آگ سونے کو بے غبار بنا کے خالص بنا سکتی ہے، تو عشق نبی کی آگ صرف صورت نہیں بدلتی، صرف صورت نہیں بدلتی، صرف زبان نہیں بدلتی، صرف حال نہیں بدلتی، بلکہ لازوال کا دوست بنا دیتی ہے، اس ذات لازوال کا دوست بنا کے رکھ دیتی ہے۔ اسی فرمائے بلکہ گیرت اندر آتش افگند صورت آریتش را برکند، یہ آریت صورت آریتش، اس کی عارضی صورت، معلوم ہوا کہ جوہر نہیں بدلتا، عرض بدلتا ہے، صورتیں عارضی بدلتی ہیں، اور جو اصل صورت اندر کی ہے اس پر یہ جو خول چڑھ گیا ہے، اس میں تغیر تبدل آتا ہے، یہاں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اور جب اندر کی حقیقت اور کیفیت پوری جلوہ سامانیوں کے ساتھ ظاہر پر آ کے وارد ہو جائے، تو نہ ظاہر بدلتا ہے نہ باطن بدلتا ہے۔ حضرات پھر جو ایک دفعہ جل جائے نا، جو ایک دفعہ جل جائے اور جل کے نکل کے پک کے آ جائے، اس کو دوبارہ نہیں جلایا کرتے۔
उसको दोबारा नहीं जलाया करते। ये उसूल नहीं है। जो इश्क़े रसूल की भट्टी से जल के बाहर आया हो तो वापस कब्र में जाए तो उसे जलाया नहीं जाता, सुलाया जाता। उसे जलाया नहीं जाता, उसे सुलाया जाता है। और जो अंदर आते हैं उसका हाल देखने वाले, वो जाते हुए कह जाते हैं, पर्दा मुंह पे डाल के सो जाओ सो जाओ सो जाओ। कमली वाला फरमा गया है कि इसको कहो सो जाओ, जब क़यामत आएगी तो तुम्हें हम उठा लेंगे। तो वो सुबह क़यामत तक सो जाता है। इसलिए अब उसका तगय्युर नहीं है, क्योंकि वो ऐसी आग से निकल के आया है कि कोई आग, जिस आग से दोज़ख़ की आग पना मांगे, उस आग में जो जल के आया उसे दोज़ख़ की आग क्यों जलाएगी। अच्छा सुनो यार, बात तो आ गई ना हदीसे पाक के सामने, इसी शेर के मातहत, कि जब पुल सिरात पर से गुजरेंगे ना आशिकीन रसूल बंदगान खुदा, आशिकीन रसूल बंदगान खुदा, जब पुल सिरात पर से गुजरेंगे तो उनकी रफ्तार इतनी तेज होगी जितनी आपके ख्याल की रफ्तार है। आप यहां मेरे पास तशरीफ फरमा है ना, अपने घरों की तरफ ख्याल ले जाओ और वापस लाओ ख्याल। अब पूछो कि ख्याल में जाने और आने में कितनी देर लगी। तो फरमाया गया इतना ही तेज आशिक रसूल बंदाए खुदा पुल सिरात पर से गुजरेगा, इतना तेज जाएगा। कमाल है। और इतनी तेजी से गुजरने वाला वो आशिक रसूल जब गुजरेगा तो जहन्नम से फरियाद की आवाजें आएंगी, जहन्नम से फरियाद की आवाजें आएंगी। और जहन्नम क्या कह, जहन्नम बोलेगा क्या, ए आशिक रसूल तुझे वास्ता अल्लाह और अल्लाह के रसूल का, और तेजी से गुजर, तेरे इश्क की आग मेरी आग को ठंडा कर रही है। तुझ में जो इश्क जलवे हैं, ये जो अंगारे हैं, ये शोले हैं, ये तेरे अंदर जो इश्क की लपकते शोले हैं, इससे मेरी आग ठंडी हो रही है। अल्लाह गनी गालिबन आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दद मियात हाजरा शाह अहमद रजा खान बरेलवी रजी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। जी कारी साहब किस तरह, इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मैं इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। हजरात मैं लतीफ नुक्ता जहन में आ गया, मैं अर्ज करूँ, ये जो कहते हैं जलने से छूटे सस्ते, जिस आग ने तुम्हें अच्छी तरह जलाया है तुम सस्ते कब छूटे हो, तेरा रहा अपना क्या, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। अंदर वो आग है रूह में, दिमाग में, दिल में, दिल में इश्क रसूल की आग के वो लपकते शोले हैं, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। मालूम हुआ कि इश्क नबी की आग की तपश दोजख की आग पर गालिब है। तो नतीजा ये रहा कि जहां इश्क रसूल की चिंगारी एक भी मौजूद हो वहां जहन्नम नजदीक नहीं जाएगा। एक चिंगारी भी जिसके अंदर मौजूद जहन्नम नजदीक नहीं जाएगा। तो यहां इसलिए तो फरमाया सूरत आरियत शराब बरकनत, ये जो आरजी सूरतें हैं ना, ये नश्व नमा की बदलो और वो सूरत बनाओ जिसे खुदा बदलना पसंद नहीं करता, वो है सूरत नबी पाक की अदाओं की सूरत है। वो रखो नबी पाक की अदाओं की सूरत, वो आरजी नहीं है, वो मुस्तकिल है। और यही सोना पहले क्या था और अब क्या है, यही बंदा जो पहले क्या था जो इश्क नबी में जल गया तो अब क्या है। और ऐसे लोगों के मुतल्लिक हदीस पाक में आता है कि ये फरिश्तों पर फजीलत रखता है। ऐसा इंसान आशिक रसूल बंदाए खुदा फरिश्तों पर फजीलत रखता है। और इसकी जो अंदर की हकीकत है,
जो राज़े इलाही है, जो रमज़े खुदा है, जो खुलासाए फैजान नबुवत है। ये जो इज्तिमाई कैफियत है, जो जब काबे के सामने खड़ा हो, उधर काबा है, इधर बंदा खुदा है, उधर जलवा किबरिया का नजूल है, इधर इश्क रसूल शोला जन है, वो अपनी जगह है। ये कभी अर्श पर है, कभी फर्श पर है। ये अर्श पर है और फर्श पर, और काबा जहां खड़ा है तहत सरा से लेकर ला मकान तक उसके बराबर जितनी जगह है वो सारा ही बैतुल्ला है, वो सारा ही काबा है, वो सारा ही काबा है, मगर ना दाएं ना बाएं, उसके बिल्कुल बराबर। एक इंच भी उस दीवार से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन बंदा मोमिन, बंदा कामिल मोमिन, बंदा मोमिन, बंदा मोमिन आशिक़े नबी, जो जल गया इश्क़े रसूल के शोलों में और पा गया मस्ती कुर्बे खुदा की और लज्जतें दीदारे खुदा की लज्जतों से भर गया, डूब गया उन कैफियतों में, जब ये काबे के सामने खड़ा हो तो काबा महदूद ऊपर जा रहा है और ये बंदा मशरक की तरफ भी जा सकता है, मगरब की तरफ भी जा सकता है, ये अर्श पर भी जा सकता है, फर्श पर भी रह सकता है। तो ये फर्श पर रहे तो सैर करता है, और फर्श के नीचे 4 फुट नीचे चला जाए, 6 फुट नीचे चला जाए, ऊपर तख्ते आ जाए, 4 मन 10 मन मट्टी ऊपर डाल दी जाए, फिर भी कोई पाबंदी नहीं, जा भी सकता है, आ भी सकता है। जा भी सकता है, आप इस खालिश हो गया, रुकावट खत्म हो गई, हिजाब जल गए, गयाब जल गए, इल्जाम जल गया, मलामत जल गई, अजीमत जल गई, खजालत जल गई, निदामत जल गई, मासियत जल गई, कसाफत जल गई, लताफत आ गई, सदाकत आ गई, मुआयत आ गई, वसल की लज्जत आ गई। तो जब ये कैफियत मिले मोमिन बंदे को, ये दुनिया भी उसकी, वो जहान भी इसका, ये जहान भी इसका, वो जहान भी इसका है, ये जहान भी इसका। हजरात, यहाँ थोड़ी सी एक बात और अर्ज करूँ, तो फिर इसका बाकी बकिया मजमून हम कल के लिए छोड़ते हैं, वक्त भी काफ़ी हो गया है। तान मानद बरज़हब नक्शे वसन, चूँकि सूरत माने अस्त राह हसन। अल्लाह 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 अल्लाह। तान मानद बरज़हब नक्शे वसन, जब तक सोने पर, जब तक सोने पर बुत का नक्श व नगार का कोई हिस्सा बाकी ना रहे, साफ हो जाए, कोई पता ही ना चले कि कभी इस पर भी बुत के कोई नक्शा था, मालूम हुआ कि नक्श और है और जिस पर नक्श बना वो और है। समझो, जिस पर नक्श बना है वे ये और है, और जिस पर नक्श बनाया गया ये और, जो नक्श बना ये और, ये दोनों एक नहीं। अलबत्ता जब बाहर जिस चीज का गलबा बाहर नजर आने लगे तो सारे वजूद का नाम उसी से मंसूब हो जाता है। जैसे नक्शा बुत का बना तो वो सोना होते हुए भी बुत कहलाने लगा, वो सोना होते हुए भी बुत कहलाने लगा, और जब आग ने बुत के नक्शे मिटाए तो कोई बुत नहीं कहता, उसे सोना कहते हैं। ए बंदे, तेरे पर भी कुछ ऐसे असरात लगे हुए हैं जिसकी बिना पर फरिश्ते तुझे पसंद नहीं करते, और तेरा जुदा 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 नाम रखा गया है। जल जा इश्के रसूल में और हकीकत सामने ले आ, ताकि नाम भी बदले, नाम ना बदले, काम ना बदले, हैसियत ना बदले, मकाम ना बदले, चूंकि सूरत माने अस्तो राहजन। हकीकत तक, मंजिल तक पहुंचने के लिए सूरतें ही रुकावट बनती हैं। सूरतें किस तरह रुकावट बनती है, मैं पूछता हूं आपसे। एक चोर मकार यार बदसूरत, खौफनाक हैबतनाक वहशतनाक दरिंदा, सिफत इंसान, मोटे बेडोल हाथ और पांव, और बड़े बड़े खुले मोटे नथने, और टेढ़ी लंबी मोटी आंखें, और मोटे मोटे लब, और चौड़े चौड़े दांत,
और मुख्तलिफ शक्ल और बिल्कुल मकरू शक्ल, अगर ये नॉकिंग करे और आपके बच्चे उसको देखें, बेग मात देखें और आप देखें, तो क्या उसको अंदर आने की इजाजत दोगे? देंगे आप उसको इजाजत अंदर? एक आदमी से किसी ने पूछा कि अरे तंग रास्ते में तुम और शेर आमने सामने आ जाओ, तुम और शेर आमने सामने आ जाओ तो बताओ उस वक्त तुम क्या करोगे? तो उसने कहा मैं क्या करूँ, जो करना वो तो शेर नहीं करना है, मैंने क्या करना है, वो तो शेर नहीं करना है जो करना है। तो इस किस्म का करीब मंजर बदसूरत आदमी, हैबतनाक, खौफनाक, दहशतनाक, टेरिबल इंसान, ये आपके सामने अगर आता है, दरवाजा खोल के बुलाओगे, तशरीफ लाइए? बल्कि लाहौल पढ़ते हुए कब कभी तारीख करके दरवाजा बंद करके भागना शुरू हो जाओगे, तो मालूम है ये सूरत वसर की माने हुई या नहीं? सूरत माने है ना वसल की, तो इसने रुकावट डाली ना, तो यही इंसान बदल गया, आंखें चमक गई, चेहरा सफेद और सुर्ख हो गया, ओंट पतले पतले हो गए और नाक बड़ी खूबसूरत हो गई, खुली खुली चमकदार पेशानी, खूबसूरत रुखसार, अजीब दाढ़ी और बड़े चमकीले हाथ, कदो कामत बड़े 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 मुतवाजन और बड़ा दिलकश दिलावे सूरत, बड़ी महबूब सूरत हो और देख के आदमी नजर हटा ना सके, जब वो नॉकिंग करे तो उसको देखने के बाद वो बोले ना बोले कहोगे तशरीफ लाइए? मालूम हुआ ये जो जाहिर है ना, ये अंदर की खबर देता है, ये जो जाहिर है ये अंदर की खबर देता है। तो जैसे अंदर मकरूह है तो जाहिर मकरूह, अंदर मुनव्वर है तो जाहिर मुनव्वर, लिहाजा अपना आप ऐसा करो यारो, बदल जाओ अंदर से भी और बाहर से भी, ताकि कुर्बे खुदा की मंजिल पे पहुंच के जब हाजिरी हो तो दरवाजा खुले तो मालिक कहे कि तुम मेरी अपनी ही दौलत है, आ जाओ आ जाओ। इसलिए इस सारी मुबारक अजमत व मंजलत और इज्जत व वजाहत, दौलत व तमकनत व सरवत हासिल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब को भेज के फरमाया, ए कायनात में रहने वालों बदलो, और बदलने के लिए लकद काना लकुम, लकद काना लकुम, मैं जो अपना नबी बन संवार के भेज रहा हूँ ना, ये तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ ताकि तुम बन संवार जाओ, तुम मुझे अच्छे लगते हो, इसलिए अपना महबूब तुम्हें दे रहा हूँ कि इनको देख के बदलते जाओ, ताकि जब ये कल आए तो इनकी इनकी अदाओं में तुम मैं देखूँ ना, तुम्हें भी अपना बना लूँ। इसलिए लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, लेकिन ये किसके लिए? लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, मुझसे मिलना चाहते हो ना, मुझे राजी करना चाहते हो ना, मेरे कुर्ब में रहना चाहते हो ना, मेरे जलवों की बरसात के अंदर दिनों रात बसर करना चाहते हो ना, तो फिर सीरत पाक में अपना आप संवार लो, अपना आप संवार लो, फिर देखो कि कौन है जो हर वक्त मेरे जलवों की बरसात के अंदर रहता है, वो मेरा महबूब है, तुम्हें यह ख्वाहिश है, बस उनके हो जाओ, जब तुम उनके हो जाओगे ना तो मेरे। तो हजरात गिरामी, ये है वो जनाब रूमी रहमतुल्लाह अलैह का वो एक खूबसूरत फरमान के बुत प्रस्त सोना देख के उसे बुत समझ के खुदा समझ के उठा के ले जाएंगे, लेकिन आशिक उसको सोना देख के ले जाएगा और उसके जाहिर को बदल देगा, क्योंकि बातिन तो बदलना, बातिन तो बदलना इसलिए मुश्किल है कि बातिन अपनी हकीकत पर है और हकीकतें नहीं बदला करती, सूरतें बदला करती हैं जो जाहिर हैं, तो लिहाजा जो दाना है वो सूरतें बदलाते हैं। पीरे कामिल भी मुरीद की सूरत जब बदल के नबी पाक के दरबार के काबिल बनाता है तो उसे सूफी कहते हैं। का यही काम है, इश्क रसूल की आग में मुरीद को जलाता रहे। और अगर कोई ये कहे, और अगर कोई ये कहे कि पीर तो वो है जो देखते ही वली बना दे, हजरात इसको कहते हैं करामत, और करामत नादरात में से है,
करामत नादरात में से है और नादरात वारदात में से है और वारदात के लिए मुक्तजियात की जरूरत है। लिहाजा जो उसूल और दस्तूर है वो ये है कि मिलो और आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। कारीगर जब अलमारी बनाए तो क्या ख्याल है, तेशा आरी करवात्री लेकर कील ये सब चीजें हथौड़ा वगैरह लेकर बैठता है तो क्या एक डेढ़ मिनट के अंदर मेज बन गया, कुर्सी बन गई, मेंबर बन गया, बेड बन गया, सोफा बन गया, कितना वक्त लगता है? और फिर ठीक करने के बाद जब उस पर रंधा चलता है कितना वक्त लगता है? और उसके बाद जब वो जोड़ लगाता है कितना वक्त लगता है? जोड़ लगाने में कहीं हिल ना जाए। और एक दफा जोड़ लगाने के बाद फिर देखता है, फिर उसे शिकंजे में कसता है, जोड़ पक्का चाहिए, जोड़ पक्का चाहिए। जब जोड़ पक्का हो जाए तो फिर यकीन फिर भी नहीं करता, फिर किल लगाता है, तू मेरे हवाले हो गया ना, जाएगा कहाँ तू? उसको शिकंजे में कसता है, कसने के बाद जोड़ मिलाता है, फिर किल लगाता है, किल लगाने के बाद फिर रंग करता है, रंग करने के बाद फिर जब देखता है रंग ठीक चढ़ गया फिर पॉलिश करता है, जब पॉलिश करके जब खुश होगी हर तरफ से फिर के देखता है फिर खड़ा कर देता है, ले जाओ मंडी में, कोई इनकार नहीं करेगा। ये है कामिल पीर का काम। और कामिल मुरीद वो है जो चलते भी ख्याल पीर में, बैठे तो ख्याल पीर में, अदा हो तो पीर की हो, खुल्क हो तो पीर का हो, मिजाज हो तो पीर का हो, तबीयत हो तो पीर की हो, आदत हो तो पीर की। इस तरह जब ये करेगा तो ये दोनों एक हो जाएंगे, जो कल मुरीद था आज मुरीद है, आज मुराद है, जो कल मुरीद था आज मुराद है। ये पीर और मुरीद ये दोनों जब खुदा के हुजूर खड़े हो जाएंगे तो बस कामिल पीर ऐसे भी हैं कि उन्होंने इस तरह अपने मुरीद तैयार किए हैं कि जब रब उनसे पूछेगा तुम क्या लाए हो तो ये मुरीदों को पकड़ के खड़े कर देंगे, मैं आपकी बारगाह में ये ले आया हूं, ये मैं आपकी बारगाह में पेश करने के लिए लाया। माजर दोस्तों, मेरे हम सफर अजीज साथियों और मोहब्बत की जंजीर में जकड़े हुए और जुल्फे महबूब के कैदियों, मेरा और आपका एक खूबसूरत साथ है और मंजिल वाजे है, एक ही मंजिल के राही है, मंजिल हमारी वही है, वहां तक खुदा हमें सलामती मोहब्बत प्यार यकरंगी हमरंगी के साथ पहुंचने की सादत से बहरावर फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।